फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका अनसपोर्टेड पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल करना, तो आप कर सकते हो। 5 अक्टूबर को विंडोज 11 का आईएसओ फाइल लॉन्च हुआ, तो अभी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ प्रोसेस आपको करना होगा। टीपीएम सपोर्टेड नहीं है आपका पीसी, बहुत ही ओल्ड है, फिर भी आप विंडोज 11 को उस पीसी में रन कर सकते हो। तो क्या कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, सारा कुछ यहाँ पर मैं डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्ट होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। I'm just sitting here. So friends, मैं यहाँ पर देखो स्टार्ट कर दिया। आपको क्या कुछ करना होगा कोई भी पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन, मैं दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर क्या कुछ कॉन्फ़िगरेशन है इस पीसी में। इंटेल i3 सेकंड जनरेशन और उसके पास 6GB रैम है और विंडोज 10 है। तो मुझे यहाँ पर पीसी हेल्थ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ पीसी हेल्थ कंडीशन क्या है, विंडोज 11 के लिए वो परफेक्ट है कि नहीं चेक नाउ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर देखो सारा कुछ कोई भी कुछ यहाँ पर नहीं है, टीपीएम सपोर्टेड नहीं है, प्रोसेसर भी सपोर्टेड नहीं है, मगर फिर भी मुझे विंडोज को इंस्टॉल करना है, तो इसलिए मुझे क्या कुछ करना होगा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो उसके बाद इसके लिए मुझे यहाँ पर देखो एक दो लिंक चाहिए, मुझे विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों आईएसओ फाइल यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखो विंडोज 11 का आईएसओ फाइल मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो का। तो मैं यहाँ पर से क्रोम खोल के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर विंडोज 11 का आईएसओ फाइल मुझे चाहिए इसके लिए डाउनलोड करने के लिए। तो देखो मीडिया क्रिएशन और देखो यहाँ पर इंस्टॉलेशन मीडिया से मुझे डाउनलोड करना है। डाउनलोड नाउ मैं क्लिक करता हूँ और मीडिया से आप डाउनलोड करना, डाउनलोड नाउ मैं क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स डाउनलोड हो गया, इसको क्लिक करो, डाउनलोड क्लिक करो और मीडिया क्रिएशन टूल्स से विंडोज आईएसओ फाइल विंडोज 11 का आईएसओ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेते हैं, बहुत ही टाइम लेता है, और यहाँ पर देखो आई एक्सेप्ट वहाँ देखो ये सारा कुछ करने के लिए आपको नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ सही है, उसके बाद नेक्स्ट कर दो। देखो यहाँ पर सही है, नेक्स्ट आईएसओ फाइल में चाहिए, यूएसबी नहीं, मुझे आईएसओ फाइल चाहिए, आईएसओ फाइल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दो। और नेक्स्ट करने के बाद देखो कहाँ पर आपको रखना है, देखो मैं डेस्कटॉप में एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फोल्डर का नेम देता हूँ मैं विंडोज करके न्यू फोल्डर, और देखो यहाँ पर विंडोज करके मैं इसका इस फोल्डर का नेम देता हूँ विंडोज मैं दे दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर वो फोल्डर को सिलेक्ट करके वो सेव कर देता हूँ, उस फोल्डर में ये सब सेव होगा। देखो यहाँ पर अभी सेव, देखो डिस्कटॉप में आ गया फोल्डर विंडोज करके, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, कुछ बहुत ही टाइम लेता है ये डाउनलोड करने के लिए, मैं वीडियो को बहुत ही फास्ट कर देता हूँ, बहुत ही टाइम लेता है वो, डेढ़ घंटे के आसपास लेता है, मेरा जो नेट स्पीड है उससे डिपेंड करेगा वो, मेरा 3 MB/s डाउनलोडिंग स्पीड है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ ये डाउनलोड हो गया, प्रोग्रेसिंग अभी चल रहा है यहाँ पर, कुछ टाइम लेगा सारा कुछ होने के लिए। देखो यहाँ पर हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पर फिनिश, मैं फिनिश कर देता हूँ और ठीक है फिनिश कर दिया। उसके बाद मुझे विंडोज 10 का आईएसओ फाइल में चाहिए, विंडोज 10 का आईएसओ फाइल में चाहिए, इसके लिए लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर मीडिया क्रिएशन टूल्स से डाउनलोड होगा, लेटेस्ट वर्सन जो है ना विंडोज 10 का वही डाउनलोड होगा। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं क्रोम में इसको पेस्ट कर देता हूँ मीडिया क्रिएशन टूल्स का लिंक, और उसके बाद ये लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखो लिंक पेस्ट हो गया, अभी देखो ये डाउनलोड अपडेट नाउ, डाउनलोड टूल्स नाउ यहाँ पर क्लिक करो, डाउनलोड टूल्स नाउ यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद हो जाएगा। अगर इसी प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो ना, तो कोई भी पीसी में आप विंडोज 11 को रन कर सकते हो, कोई भी पीसी में। और देखो मीडियाकेशन रूल्स ये है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये 10 के लिए है, इसको मुझे डाउनलोड करना है मीडियाकेशन टूल से, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होगा 10 का, जो फाइल है आज तो फाइल है वो लोड होगा। देखो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेता है, देखो यहाँ पर एक्सेप्ट, उसके बाद एक्सेप्ट कर दो, और एक्सेप्ट करने के बाद देखो यहाँ पर ये जा रहा है ये, हाँ देखो अपग्रेड मुझे नहीं करना है, क्रिएट मीडिया क्रिएशन टूल्स, मुझे डीवीडी आईएसओ फाइल चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट को सिलेक्ट करना, आईएसओ फाइल को सारा कुछ सही है, नेक्स्ट कर दो। सर वहाँ पर सारा कुछ है सही है, कुछ भी नहीं करना है वहाँ पर, नेक्स्ट कर दो। और नेक्स्ट करने को वहाँ पर आईएसओ फाइल, यहाँ पर भी आईएसओ फाइल आपको सिलेक्ट करना है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव नहीं, आईएसओ फाइल, उसके बाद नेक्स्ट, आईएसओ फाइल मुझे चाहिए। और डाउनलोड कहाँ पर होगा, हाँ ठीक है यहीं पर होगा, और यहाँ पर लिखता हूँ विंडोज, मैं यहाँ पर विंडोज 10 लिख देता हूँ, ठीक है लिख दिया विंडोज 11, ठीक है विंडोज 10 का आईएसओ फाइल मैं यहाँ पर ऐसे करके डाउनलोड करता हूँ, ठीक है डाउनलोड, वो बहुत ही टाइम लेता है, मैं वीडियो को बहुत ही फास्ट कर दिया, ये वीडियो पूरी तरह से करने के लिए मुझे 2 दिन लग गया,
ये वीडियो सारा कुछ डाउनलोड करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए पूरा 2 दिन लग गया ये वीडियो क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हो गया, उसके बाद फिनिश कर दो। देखो ये आपको फिनिश जो है ना, फिनिश कर दो, बहुत मेहनत लगता है भाई एक वीडियो क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर सारा कुछ हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पर जो देखो ये जो फोल्डर मैं क्रिएट किया था विंडोज 10 और विंडोज 11 दो ISO फाइल है। इसके बाद अच्छी तरह से देखना, अभी अभी मुझे क्या क्या कुछ करना होगा, अभी मुझे और एक सॉफ्टवेयर चाहिए। यहाँ पर देखो मैं क्रोम खोल के विंडोज क्लिक करो, अच्छी तरह से देखना है विंडोज 64 बिट, क्योंकि मैं विंडोज 11 64 बिट के लिए है, तो 64 बिट लेटेस्ट वर्षन यहाँ पर क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर ये डाउनलोड होना, देखो यहाँ पर 64 बिट के लिए सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सिलेक्ट कर लिया, ज़्यादा बड़ा नहीं 3 MB के आसपास, इसको भी मुझे डाउनलोड करना है मीडिया क्रिएशन विंडोज। ठीक है विंडोज डाउनलोड हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो गया ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद मुझे इसको इंस्टॉल करना है, मैं इंस्टॉल डबल क्लिक करो, इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा डबल क्लिक करो से। और पर देखो इंस्टॉल बोल रहा है ना, इंस्टॉल में क्लिक करो और ये इंस्टॉल हो गया। ओके ओके मैं क्लिक करता हूँ, ओके सारा कुछ सिलेक्ट है, सही है, ओके। और उसके बाद डन कर दो, हो गया मिटिगेशन। अभी मुझे चाहिए, अभी देखो प्रोसेस जो है ना, अभी भी एक प्रोसेस मुझे करना होगा। यहाँ पर मैं सारा कुछ क्रॉस कर देता हूँ, मैं फिर से सारा कुछ ओपन विंडोज़ का फाइल जो विंडोज 11 और विंडोज 10 का जो लोड किया है फाइल, उस विंडोज 10 को राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट विंडोज 10। देखो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू विंडोज 10 यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना होगा विंडोज 10 फाइल को। उसके बाद देखो यहाँ पर विंडोज 10 फाइल को ये करना होगा आपको, अच्छी तरह से देख के करना। और उसके बाद देखो देखो एक फोल्डर आ गया डेस्कटॉप में, इस फोल्डर को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सोर्स फाइल में चले जाओ, सोर्स फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा एक बहुत बड़ा एक फाइल मिलेगा। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा 4 GB के आसपास जो विंडोज़ का है, ये नहीं ये छोटा है, बहुत बड़ा 4 GB के आसपास। देखो यहाँ पर A5 जो है, A5 को मुझे डिलीट करना है, विंडोज 10 से डिलीट करना है। देखो यहाँ पर मैं डिलीट कर दिया विंडोज 10 से। अभी मुझे यहाँ पर विंडोज जो 11 का फाइल था ISO फाइल, उसको मुझे रन करना है, डबल क्लिक कर दो रन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखो यहाँ पर भी सोर्स जो फाइल है ना, सोर्स फाइल को मुझे यहाँ पर वो फाइल ढूंढना है जो फाइल मैं डिलीट किया था वहाँ पर से 10 से, यहाँ पर भी है, हाँ यहाँ पर सबसे बड़ा फाइल, इसको ऐसे करके पकड़ के यहाँ पर छोड़ दो, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो 10 का जो फाइल। विंडोज 11 को एक्स्ट्रैक्ट नहीं करना, विंडोज 10 को सिर्फ एक्स्ट्रैक्ट करना, विंडोज 11 को नहीं। उसके बाद देखो हो गया, और बैक कर लो सेटअप फाइल जो है ना, सेटअप फाइल को क्लिक कर दो। आपका पीसी में जो कुछ है जैसा है ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ विंडोज 10 से विंडोज 11 आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं क्लिक किया सेटअप को रन, और अभी ये चल रहा है प्रिपेयरिंग इंस्टॉलिंग, कुछ टाइम लेता है ये सारा कुछ होने के लिए। मैं वीडियो को फाइल I want to help इसको बॉक्स को क्लिक कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पर ये चेंज कर सकते हो, यहाँ पर नॉट राइट नाउ मुझे अपडेट नहीं करना है, यहाँ पर नॉट राइट नाउ, बाद में आप कर सकते हो अपडेट, उसको कोई दिक्कत बात नहीं, नॉट राइट नाउ। उसके बाद नेक्स्ट में चेकिंग योर पीसी, ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर दो, यहाँ पर जो एक्सेप्ट है एक्सेप्ट कर दो, चूज फॉर टू, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा, कुछ नहीं करना होगा आपको, कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगा। मैं पीसी का कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्या कुछ कॉन्फ़िगरेशन है मेरा विंडोज 11 के लिए परफेक्ट नहीं है जैसा कुछ। देखो i3 सेकंड जनरेशन और 6 GB रैम, विंडोज 10 अभी चल रहा है, विंडोज 11 मुझे करना है। कुछ भी फाइल डिलीट नहीं होगा, जो कुछ फाइल जैसा है ऐसे ही रहेगा, कुछ भी फाइल डिलीट नहीं होगा। और देखो यहाँ पर ये चल रहा है, और पीसी हेल्थ चेकअप कर सकते हो कैसे करते, मेरा लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर विंडोज 10 की पर्सनल फाइल एंड ऐप्स जो कुछ मेरा पीसी में है वही सारा कुछ रहेगा, कुछ डिलीट नहीं होगा। उसके बाद इंस्टॉल में क्लिक करो, इंस्टॉल में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा विंडोज 10, ये दिखाएगा विंडोज 10 मगर विंडोज 11 इंस्टॉल हो रहा है। विंडोज में मेन फाइल को विंडोज 11 में कन्वर्ट कर दिया, तो जब होगा ना तो विंडोज 11 ही दिखाएगा। ऐसे करके देखो, यह मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, अभी मैं बाहर से दिखा रहा हूँ अच्छी तरह से देख सकते हो, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता अभी, तो बाहर से चल रहा है 22% हो गया, तो अभी कुछ टाइम और लगेगा ये सारा कुछ होने के लिए। विंडोज 10 अभी दिखाया है मगर विंडोज 11 हो रहा है, ये भी यहाँ पर सारा कुछ प्रोसेस होने के लिए कुछ बहुत ही टाइम लगता है। और उसके बाद देखो यहाँ पर गेटिंग रेडी, और गेटिंग रेडी ओके सारा कुछ चल रहा है, देखो टाइम लेता है कुछ। उसके बाद आपको वेट करना है, जो कुछ लेता है ऑटोमेटिक लेगा। देखो विंडोज 11 हो गया, देखो विंडोज 11 आ गया मेरे पीसी में, देखो यहाँ पर मेरा डेस्कटॉप में विंडोज 11 आ गया। और मैं यहाँ पर से इस पीसी का
देखो यहाँ पर पिक्चर को चेंज कर देता हूँ पहले पर्सनलाइज में जाके, यहाँ पर इसका पिक्चर जो है ना इसको चेंज कर देता हूँ पर्सनलाइज में। ब्लैक वाला पिक्चर अच्छा लगता है मुझे। देखो यहाँ पर ब्लैक जैसा सारा कुछ चेंज हो गया। अब इसका थीम पूरी तरह से चेंज हो गया। देखो यहाँ पर जो बैकग्राउंड का पिक्चर था वो टोटली वॉलपेपर वो टोटली चेंज हो गया। अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करके अच्छे से आपको दिखाता हूँ कैसे करके। देखो यहाँ पर और यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन में और एक बार दिखा देता हूँ क्या कुछ विंडोज 11 के लिए परफेक्ट नहीं है भाई। फिर भी मैं यहाँ पर विंडोज 11 बहुत ही अच्छा करके चल रहा है। यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा करके सारा कुछ ओपन हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं चल रहा है। और इस पीस में जाके मैं यहाँ पर दिखा दूँ राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में जाके मैं दिखा दूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं दिखा दूँ। और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पर i3 सेकंड जनरेशन और 6GB रैम चल रहा है, विंडोज 11 प्रो वर्षन 2.1H2 चल रहा है। अभी इसको आप अपडेट भी कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। देखो बहुत ही अच्छे करके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। विंडोज 11 मैं यहाँ पर मेरा अनसपोर्टेड पीसी में रन कर रहा हूँ। कोई भी पीसी है वहाँ पर आप चाहते हो कि विंडोज 11 को रन करना, तो ऐसे करके आपको रन करना है विंडोज 11 को, आप बड़ी आसानी से रन कर सकते। मगर वहाँ पर जो विंडोज 11 और विंडोज 10 का फाइल जो मैंने लिया था ना, विंडोज 10 का फाइल सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना, विंडोज 11 का फाइल एक्सट्रैक्ट मत करना। उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाएगा जो कुछ आपको करना होगा विंडोज 11 को पाने के लिए। आपका ओल्ड बहुत ही ओल्ड पीसी है, उसी पीसी में आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो क्या कुछ प्रोसेस आपको करना होगा इसके लिए, सारा कुछ मैंने यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, तो उसे जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सिस्टम में जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल काइंडली के न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह नॉलेजल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द को नया वाला वीडियो में। टाटा, थैंक यू।